हेलो जय श्री राम सबको, वेलकम टू डेरिक एक्सॉटिक। तो यार यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ वेलविशिया मिरेबल्स के ऊपर, जिसको हम डेविल प्लांट भी कहते हैं। ये डेजर्ट का डेविल प्लांट इस्तेमाल कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत सालों तक, बहुत साल पुराने प्लांट्स हैं। और आप अगर इन्हें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तो कोई प्लांट है ही नहीं, कोई UFO या कुछ, कोई बाहरी चीज़ कुछ भी किसी पौधे के ऊपर गिरी है, वो चटनी की तरह ही फैल गया है। अब इस पौधे की खास बात यह है, ये पौधा जो है ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ दो ही लीफ निकालता है। अब वो दो लीफ किस तरीके से, ये हो गया उसका रूट सिस्टम। यहाँ से लीफ स्प्राउट करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब एक लीफ इस साइड से निकलेगी, एक लीफ इस साइड से निकलेगी, और वो लीफ पूरे लाइफ टाइम ऐसे ही ग्रो होती रहती है। यूँ नीचे से ड्राई होती रहेगी, ऊपर से वो ग्रो होती रहेगी। वो प्लांट चाहे कितना भी ग्रो होता जाए, बीच में थोड़ा सा होल टाइप का हो जाएगा बड़े होते होते, वो उसी में से फ्लावरिंग करता है, सब चीज़ करता है। मतलब एट द एंड, अपने डेथ तक वो प्लांट, आज तक तो इतने लंबे लंबे रिकॉर्ड्स हैं, वो प्लांट इतने ज़्यादा एज के प्लांट होते हैं, मतलब अल्टीमेट सेल्यूलर उस प्लांट के लिए। तो अब उसको सीड से ग्रो करने का मैंने सोचा है। तो यार मेरे पास ये सीड्स देख सकते हैं, ये वेलविशिया मिरेबल्स के सीड हैं ये, जो आपको दिख रहा होगा। अब ये प्लांट अगर आप इसको सीड से लगा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये प्लांट बिल्कुल भी फंगस पसंद नहीं करता। अगर इसमें फंगस का हल्का सा भी आया पॉइंट, तो ये मर जाएगा। तो जिस टाइम आपको इसे लगाना है, इसके अंदर ना एक टाइप का ऑयल होता है जो इस प्लांट को स्प्राउट होने में बहुत दिक्कत देता है, जो स्प्राउट नहीं होने देता। इसी वजह से इसके स्प्राउट होने के आपको बहुत कम परसेंट मिलते हैं, जो सीड परसेंटेज होता है स्प्राउटिंग का वो बहुत कम होता है। तो इसको आप लगाने से पहले एटलीस्ट 12 घंटे के लिए पानी के अंदर फंगीसाइड डालकर, और जो प्लांट्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी आते हैं एकदम जरा सी क्वांटिटी में, वो डालकर, और आप इन्हें 12 घंटे के लिए रहन दीजिए। अब जब 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे होने के बाद आप इस प्लांट को सीधे सीड्स को निकालिए, और सीड्स को निकालने के बाद आप अपनी जो पॉटिंग मिक्स रखेंगे, पॉटिंग मिक्स आपको एकदम कोर्स मीडिया रखनी है, जिसमें पानी डालते के साथ नीचे निकल जाए, क्योंकि ये प्लांट पानी ज़्यादा नहीं पसंद करता, क्योंकि बहुत ही ड्राई साइड से है। लेकिन ये है, आप इसको जब कल्टीवार करेंगे, आप खुद ही ग्रो करेंगे, तो इसका थोड़ा नेचर चेंज होगा, क्योंकि उधर अलग, एक वाइल्ड में अलग ग्रो होने और एक इधर ग्रो होने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपको पानी देना ही पड़ेगा। मतलब आप ये लेके चलिए कि आपका, अगर जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली के अंदर इतना हॉट क्लाइमेट है कि हम जब पौधों को कुछ भी करते हैं, रखते हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन में एक बार तो पानी देते हैं। तो आपको भी इसको स्टार्टिंग है कुछ टाइम तक, तो 1 से 2 साल तक पानी का इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मीडिया ज़्यादा गीली ना हो, थोड़ा जो एक सॉगी वाला बना रहता है ना माहौल, वो ऐसा बना रहे इसके मीडिया में, तो प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। और हर महीने में एक बार आपको इसे फंगीसाइड का डोज देना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब इसका प्यार मानो कुछ भी मानो, ये इतना ज़्यादा जल्दी से फंगस को अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, कि भाई आ मुझे ख़त्म कर, टाटा बाय बाय, जय श्री राम, ये वाला सीन। तो बेटर है आप फंगीसाइड यूज़ करें इस प्लांट को, अगर आप सेफ करना चाहते हैं, अच्छे खासे कंडीशन में देखना चाहते हैं, अच्छे से ग्रो हो, तो फंगीसाइड आप यूज़ करें। अब मेरे जो ये सीड्स हैं, ये मैंने पूरे 12 घंटे से भिगो के रखे पड़े हैं, अब मैंने लगाने जाऊंगा। तो मैं जो मीडिया लूंगा, मैं मीडिया में लूंगा 80% सिंडर, और 20% मैं उसके अंदर ले लूंगा अपना ये सॉइल राइट, जो रेडी पॉटिंग मिक्स आती है, उसके अंदर फंगस लगने के कम चांसेस हैं, प्लस उसको फंगीसाइड मैं उसके अंदर डालूंगा ठीक। और सिंडर रहेगा 80%, 20% सॉइल राइट हो गया। अगर आपके पास सॉइल राइट नहीं है तो सिंडर आप ले सकते हैं, और फिर आप अपना रिवर सैंड ले सकते हैं। दोनों को पानी में डाल के उबाल लीजिए या माइक्रोवेव कर दीजिए, ताकि उसके अंदर A to Z जितने भी इन्फेक्शन है, कुछ भी है, वो ख़त्म हो जाए। अब आप ये कर देंगे, उसके बाद उसको लेना है सिंडर और अपना सैंड, आप दोनों को मिला लीजिए, 50-50% का आप रेशियो बना सकते हैं। उसके अंदर आप इस सीड को लगाएं, इसका जर्मिनेशन 1 वीक से लेकर 1 मंथ में भी हो सकता है। तो आप प्रिकॉशन हमेशा रखें कि आप मीडिया को ज़्यादा गीला ना करें। जब आपको दिख रहा है ऊपर का मीडिया सूख गया ना, ड्राई सा दिख रहा है ऊपर का मीडिया, हाथ से लगाकर स्प्रे मारना है सिर्फ आपको।
और जहां ये स्प्राउट अगर आपका हुआ, आप गमले में ना, जैसे आपका मान लीजिए कि 3 इंची का गमला है, ठीक, आप यहाँ 2 इंची के उस पे सीड लगाएंगे, मीडिया हल्का सा ही डालेगा क्योंकि ये निकलने के बाद ऊपर आता है, तो अगर आप पहले ही इसको ऊपर के साइड में लगा देंगे ना, फिर ये और ऊपर आएगा तो मीडिया आप नहीं कर पाएंगे उधर कवर, तो इधर लगाएंगे 2 इंची के पॉइंट पर। अच्छा, 2 इंची के पॉइंट पर आप लगाएंगे, फिर ये स्प्राउट होकर यहाँ पर आएगा, तो आप इजिली नीचे मीडिया डाल सकते हैं ताकि प्लांट अच्छे से कवर हो जाए, और उसका ड्राई होने का या किसी भी फंगस उसकी तरफ आने का या कुछ भी, वो हम रिस्क हटा सकें। तो यार मैंने यही सब, मैंने पूरा इसको डिटेल में इसके बारे में पढ़ा कि भाई किस टाइप की क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या नहीं चाहिए होती। आप कभी कभार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और सीड्स के लिए तो यही सब है, आप उसको भिगो के ही हमेशा लगाएं तो ज़्यादा जर्मिनेशन मिलेगी, बल्कि इसी को नहीं, आप हर टाइप के सीड्स को जो सैकुलेंट्स के हो गए, जैसे अडेनियम हो गया, अडेनियम में भी काफ़ी वैरायटी आती है, सोकोट्रेनम आ गया, ओबेसम आ गया, अरबिकम आ गया, अरबिकम बहुत वैरायटी, तो पेचीपोडियम आ गए, इन सब के सीड आप अगर भिगो के लगाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जर्मिनेशन ज़्यादा होगी, प्लांट भी थोड़ा हेल्दी ही होगा, क्योंकि प्लांट को एक बार जब आप ड्राई सीड्स को मीडिया के अंदर डालेंगे तो वो मीडिया से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके फिर वो फूलेंगे, फिर वो बहुत लेट हो जाता है प्रोसेस, और जर्मिनेशन भी इतना अच्छा नहीं मिल नहीं पाता। तो सबसे बेस्ट यही है, आप ये चीज़ करें, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, प्लांट हेल्दी होगा, और कोई रिस्क नहीं है कि आपके प्लांट को फंगस लग जाए, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इस चीज़ के अंदर मिलेगा। तो आप ये करें, और जैसा भी मेरे को कैसा जर्मिनेशन मिलता है देखते हैं, मैंने अराउंड 15 सीड लगाए हैं, 15 में से देखते हैं कितने स्प्राउट होते हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है कि सारे भी हो जाएं, क्योंकि ये प्लांट ही ऐसा है, ये मैं नहीं, आप कहीं पे भी देखिए, इसका जर्मिनेशन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, और अगर जर्मिनेट हो गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि एक इस प्लांट की कॉस्ट इंडिया में आई थिंक 15,000-20,000 होगी एक प्लांट की कॉस्ट, और मेरे को एक सीड का कॉस्ट, सिर्फ एक सीड का कॉस्ट 900 रुपीज़ पड़ा है। अब अगर मेरे को 900 का पड़ा है, मैं पूरा मतलब रिस्क लिया है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि प्लांट ही ऐसा है, इसको एक बार आपने पॉट कर दिया ना, कम से कम ये सीड से अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो जिस पॉट के अंदर ये होगा ना, 1-1.5 साल तक आप उसको नहीं छेड़ सकते। अगर आपने छेड़ दिया प्लांट को, पॉट आउट करा और उसको रिपोर्टिंग करी, तो वो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं करता। कर सकते हैं आप रिपोर्टिंग, नो डाउट कर सकते हैं, पर प्लांट जब 2-3 साल का होगा तब, छोटे में अगर आप करेंगे तो ये मर ही जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ एक प्लांट की डेड बॉडी के अलावा, या तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा एटमोसफेयर है, पॉली हाउस है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं और अगर आप ऐसे कुछ एक्जॉटिक प्लांट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं या कुछ भी उसके साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, प्रिकॉशन ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ताकि वो अपने बेस्ट तरीके से आपको रिजल्ट मिल सके उस चीज़ का। तो यही था भाई इस पूरी वीडियो में, वेलविशिया मिराबिल्स, आप इसके बारे में इवन गूगल इन सब पे भी पढ़ो, आपको बहुत बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर, पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, मतलब कोई इतना यूनिक प्लांट कैसे हो सकता है, आप खुद बोलोगे कि मतलब क्या ही चीज़ बनाई है ये। आर्टिकल्स पढ़ो इनके इसके बारे में जाकर, डेफिनेटली गाइस यू विल लव दिस प्लांट, मतलब बहुत प्यारा प्लांट है। आप आर्टिकल्स पढ़ो और इसके बारे में चीज़ें देखो, किस तरीके से ये ग्रो होता है, इसके मैच्योर प्लांट्स देखिए, मतलब अल्टीमेट है वो, अल्टीमेट है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।